गॉड, आज कितना एंजॉय किया ना अंकल। लाइफ में ना हो शोर तो आदमी होता है बोर। फल खाओ, चिंता छोड़ो। देखो 5 स्टार का कूपन, डिनर फॉर टू। अंकल, हमने जोश में होश खो के अपने नाम पर ड्रिंक्स तो मंगवा ली, पर अब इनका बिल कौन भरेगा? हमें लोकपाल बिल थोड़े ही भरना है, फ्री में पीने का मजा ही और है। थैंक यू। हेलो बॉस। मिल गया आज का मुर्गा। हेलो, कौन आप, कौन सा बोल रहे हैं? हेलो, शाहरुख खान बोल रहा हूँ। क्या शाहरुख खान, क्या आप असली वाले हैं? असली वाले बोल रहे हैं? यस, सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान। खान साहब बोलिए ना। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सुन रहा हूँ सर। मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पब में है, मुझे पता है। उसके ग्रीन और रेड कपड़े देखकर तुम उसे तोता समझ रहे होंगे। मैडम, तोता नहीं, मैना है। पर वो जिनके साथ आई थी वो बिल्कुल उल्लू जैसा है। ए, उनसे पैसे मत लेना, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा टिप समय। टिप नहीं चाहिए, मैं आपका फैन हूँ। आपकी जाने मन मेरी जाने मन है, फैन का भी हक बनता है। मेरे फैन हो तो उसके साथ है खूबसूरत नौजवान है, उससे भी पैसे मत लेना। इतनी टिप दूंगा कि आज के बाद तुम्हें होटल में काम करने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं भी होटल के मैनेजर को दिखा दूंगा, मैं कोई मामूली चीज नहीं हूँ। आपका फैन हूँ सर, कोई छोटी औकात थोड़ी मेरी। जल्दी से फोन रख, मेरा IPL का मैच शुरू हो रहा है। ठीक है खान साहब, आप फोन रखना चाहते हैं? ए वेटर, कितना वेट करवाएगा, बिल देना है। आपको बिल देने की कोई जरूरत नहीं, खान साहब ने फोन कर दिया है, बिल वही चुका देंगे। वो क्यों हमारा बिल देगा, पहले दिल देता है बाद में बिल भरता है। ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? उस दिन मैंने उससे साइकिल मांगी तो उसने मुझे 50 लाख की गाड़ी गिफ्ट में दे दी। उसे इतना भी नहीं पता कि डीजल पेट्रोल कितना महंगा है। 50 लाख की गाड़ी? अरे सर, खान साहब के लिए 50 लाख क्या चीज है? 50 लाख की गाड़ी तो ठीक है, पर उसे लाने वाले ड्राइवर को 5 लाख टिप देने की क्या जरूरत थी? मैडम, आप नाराज मत। अरे देखिए खान साहब आने वाले हैं। ये क्या हो रहा है, वो लड़की कौन थी? सर, वो खान साहब की गर्लफ्रेंड है, अभी खान साहब आएंगे और पूरा बिल चुका देंगे। अरे कौन खान साहब? कौन खान साहब? अरे मैं उन्हीं खान साहब की बात कर रहा हूँ मुल्कों की पुलिस जिन्हें तलाश रही है, जिन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं कभी का नामुमकिन हो चुका है। और आप पूछ रहे हैं कौन खान साहब? कल शाहरुख खान साहब यहाँ आएंगे और आपका पैसा आपके मुंह पे। अबे गधे, शाहरुख खान यहाँ कैसे आएगा? वो तो करण जौहर के साथ लंदन में शूटिंग कर रहा है। लंदन में? उन दोनों को लेकर आओ। अरे कोई है? मैं हूँ ना। उल्टी टोपी बोल, जली तंदूरी रोटी, ब्लैक कॉफी लेके आओ। कल्लू के लिए ब्लैक कॉफी। मैं अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी, चाहे वो काला हो या गोरा। पागल हो क्या, क्या बक रही हो तुम? लड़कियों को कभी कोई चीज पसंद नहीं आती। एक जोड़ी चप्पल लेनी हो तो बोलती हो कि दोनों चप्पल का कलर सेम है, एक दूसरे कलर का दिखाओ। अंकल, क्या है? आपको लगता है मुझे मेरी पसंद का लड़का नहीं मिलेगा? पसंद का चप्पल नहीं मिलता, लड़का कहाँ से मिलेगा? वो यही कहीं है। अच्छा, कौन है वो? वो देखिए वहाँ बैठा है। वो लड़का? वो लड़का तो कड़का लगता है, आदमी कम कोयला ज्यादा लगता है। तुम दाल, वो दाल में काला, ये कैसा मैचिंग झाला? अपने गोरे बदन पर मैं उसे काले तिल की तरह सजा लूंगी। देखिए उसकी नशीली आंखें, चमकीली स्माइल। उसकी सिर्फ आंखें और दांत ही व्हाइट है, बाकी सब टाइट है। तुम दोनों की शादी हो गई तो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना आ जाएगा। तो फिर मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। श्रुति, ऐसा मत कहो। श्रुति, नाइस नेम। ये बकवास नहीं है, आप सब उसका आउटर लुक देख रहे हैं, मेरी नजर उसकी इनर ब्यूटी देख रही है। बनियान तो पहनी नहीं, क्या दिख रहा है? एक्सक्यूज मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आप ही तो हैंडसम है यहाँ। आप मैरिड तो नहीं है ना? अगर हुआ तो भी डिवोर्स ले लूंगा, चप्पल से मारूंगा साले को। देखा अंकल, इसी को लव कहते हैं। आई लव यू। मुझसे लव? ओह गॉड, थैंक्स अ लॉट। क्या रे, घंटी बज गई क्या? यहाँ घंटा बज रहा है, भूर के साथ लंगूर भूल जा। सर, मेरे कलर पर मत जाइए, अपने अकल लड़ाइए। सोचिए हम दोनों के बच्चे कितने कलरफुल होंगे, रंग बिरंगे। प्लीज प्लीज कहने की कोई जरूरत नहीं है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, प्यार कलर नहीं देखता, जात पात और धन दौलत नहीं देखता, मुझे तो बस तुम्हारा प्यार चाहिए। जा मर, अबे चला। पेन, पेपर, कॉल करना है, खाने का बिल भी भरना है, लाइट बिल भी भर दूंगा, मोबाइल बिल भी भर दूंगा। यस, उस लड़की का मेरी जिंदगी में आना रेगिस्तान में कमल के फूल खिलने जैसा था। जो शख्स आईने में देखने से डरता था, आज उसने अपना घर आईनों से सजा दिया।
पर चैटिंग, दिन भर शॉपिंग, ओवर कॉन्फिडेंस। फेसबुक में रणबीर का फोटो हटाकर अपना थोपड़ा चिपका दिया। आई लव यू, आई लव यू टू, थ्री, फोर, फाइव। अंकल को खुश करना है तो डबल डोर का फ्रिज गिफ्ट कर दो। हाँ, ये ज्यादा हो रहा है। उल्टा कम है, प्यार का मारा अकल गांधा। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो मेरी जान, कि अपने अंकल को खुश करने के तरीके मुझे बता रही हो। मैं तेरी लैला हूँ काले मजनू। मेरे अंकल को पटाने के लिए तुम इतना नहीं कर सकते जानू। अंकल को पटाने के लिए दे दो होम थिएटर। बस अंकल के बारे में सोचोगी। तुम्हें क्या चाहिए? मोहे नेल पॉलिश दे दो, मोरे कोयले राजा। उसकी 10 उंगलियों के लिए 10 नेल पॉलिश खरीद कर ब्यूटीफुली उसे गिफ्ट पैक करवाया। भाग भाग के कॉफी शॉप पहुंचा और वहां क्या हुआ खुद ही देख लो। प्लीज अंकल। पागल हो, ये खुद 3 बेडरूम हॉल किचन में भी फिट नहीं होगा। इससे शादी करोगी तो ये शादी के बाद तुम्हें कहां सुलाएगा? कपड़े देख, बारात का टेंट बन सकता है। अंकल, जिसका शरीर इतना बड़ा हो उसका दिल कितना बड़ा होगा। मैं तो उसके दिल में ही रह लूंगी। एक्सक्यूज मी, आपकी अब तक शादी तो नहीं हुई है ना? वैसे मैं शादी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अब आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी ट्राई करना है मेरे दिल के साथ ट्राई करना। जिंदगी भर लोगों से लोन निकलवाए हैं, इसने तो मेरी जिंदगी के लोन लगा दिए। सिर्फ मेरे ही नहीं, इन सबके लगा दिए हैं। बाप रे, तूने कभी अपने माँ के मोबाइल में छोटा रिचार्ज करवाया? साला कंजूस। लेकिन लड़की को फोन देने के लिए तूने अपना सब कुछ बेच दिया। आजकल की शाणी लड़कियाँ आईफोन आईपैड अपने पैसे से नहीं खरीदती, ऐसे बकरों को काटती है। ये जान लो कि लड़कियाँ 3 टाइप की होती हैं, LCD, LED, 3D। LCD वाली लव का नाटक करती है, खर्चा करवाती है, निकल लेती है। LED झूठा लव करती है, हाथ तो आती है पर हाथ लगाने नहीं देती। तीसरी 3D चालाक के साथ खतरनाक भी, लगता है पास में है लेकिन किसी और के साथ दूर से निकल लेती है। जन्नत का सपना दिखाकर आशिक का बटवा चाटती है। मतलब मेरी वाली 3D टाइप की है? अबे जो किसी की ना हो सके वो तेरी क्या होगी? बच्चू, उसे सबक सिखाने के बजाय तू उससे हमदर्दी जता रहा है। इसके बस की बात नहीं है, तुझे ही कुछ करना होगा। उन दोनों को डांस करने का बड़ा शौक है, देखना मैं उन दोनों को अपनी पीठ पर कैसे नचाऊं। वो कभी अपने पैर पर खड़े नहीं हो पाएंगे। पर क्यों? गड्ढे में जो गिरने वाले हैं। ओ आज पार्टी कैसे करेंगे अंकल? कोई मुर्गा ही नहीं दिख रहा है। डोंट वरी श्रुति बेटा, दिस मुंबई शहर इज फुल ऑफ फूल्स। कोई ना कोई मुर्गा कटने जरूर आएगा, फिर हम आज की सारी भरपाई कर लेंगे। कृपया ध्यान दीजिए, हम प्रवेश करें। आ जाइए। मुर्गा आ गया, गेटअप देखो इसका। महोदय, हम किस स्थान पर आसन ग्रहण करें? सर आप यहाँ बैठिए। आभार। यहाँ तो स्वच्छता का अपमान हो रहा है। वेटर महोदय कहाँ चले गए? श्रीमान वेटर जी। बोलिए सर। कृपया मुझे 1 कप कॉफी प्रदान करें। ठीक है सर। बंधु, शक्कर थोड़ी कम डालना, मधुमेह नहीं है मुझे, सावधानी बरत रहा हूँ। ठीक है सर। इस मुर्गे कम गधे के बारे में आपका क्या ख्याल है अंकल? सारे गधों का सरदार है। बापरे, 1 कप कॉफी 150 रुपए, साथ में बिस्कुट भी नहीं दे रहे। ए श्रुति, शुरू हो जा। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या चाहते हैं, पहले मैं अफेयर करूंगी फिर शादी करूंगी। इस उम्र में अफेयर फेयर नहीं होता, अफेयर के चक्कर में कुंवारी बैठी रहोगी, कोई लड़का शादी के लिए नहीं मिलेगा। मिल गया, लव एट फर्स्ट साइट। कौन है वो? वो चश्मे वाला। ये पीली टैक्सी, ये टीके वाला चश्मा, इसी की तलाश थी। हाथ में पकड़कर चाय की क्या चुस्कियां लेता है। जब चाय ऐसे पीता है तो इसकी तो हर अदा कमाल की होगी। टिश्यू पेपर से मुंह ऐसे पोछता है जैसे सीरियल के सर इमरान हाशमी हो। ए बकबक, चुप कर, करेले के पकोड़े जैसा मुंह है इसका।
उसे मेरी आंखों से देखिए अंकल। देखो श्रुति, थोड़ा वेट कर लो, इससे अच्छे फीचर वाले मॉडल मिल जाएंगे तुझे। सुनिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप दोनों मेरे बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, आपकी अब तक शादी तो नहीं हुई ना? नहीं हुई, आज तक किसी लड़की से मेरा गठबंधन नहीं हुआ। फिर तो हमारी लाइन क्लियर है। नहीं, मुझे ये चंपू पसंद नहीं। शादी मुझे करनी है या आपको? आप मेरी खुशी से जलते हैं। आपने इसके कोमल हृदय को ठेस पहुंचाई। अबे चुप, वरना ऐसा मारूंगा कि पैन भी पीली हो जाएगी। सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? चला, ये पीले ये बिल भर दे। टिप लेना मत भूलना। ठीक है सर। मुर्गा हलाल होके आ रहा है, इमोशन कंट्रोल करो। महिला जी, मैंने आपका बिल भर दिया, आनंदित होकर उसे 5 रुपए भी दिए। सो स्वीट, थैंक यू शनर। अबे पेड़ पे लटके उल्टे लंगूर, तेरे हाथ नहीं आएगा ये मीठा अंगूर। उसे समस्या नहीं तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये अहिंसा में टेररिज्म, मेरा दिमाग भज्जी की गेम से भी ज्यादा घूमता है। बेटी, ये बाउंसर डाल रहा है, चलो यहाँ से। अबे फटीचर, मैं कहाँ से फटा हुआ दिख रहा हूँ? जब तू आईना देखता है तो फटीचर नजर आता है ना। साला सच कह रहा है। ये कहाँ जाएगी? घर जाएगी। हाँ, घर जाकर अपने बुक और मुंह उठाकर कॉलेज जाएगी। श्रुति, शाम को हम मिल रहे हैं, नंबर क्या? 9901344445। इसका नंबर मांगा, तेरा नंबर क्यों दे रहा है? श्रुति फोन देना। अरे तुम्हारी तरह फोन का फिगर भी मस्त है। ओके बाय। हाँ, ये कौन? जानो, मेरा नंबर है, रवि सैया नाम से सेव कर लो। हाँ ओके। साला, मेरे कमल जैसे चेहरे पर पंजे का निशान बना दिया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा हुआ उसके हाथ में आम आदमी की तरह झाड़ू नहीं था। साला, एक थप्पड़ आदमी को हिजड़ा नहीं बना सकता। और थप्पड़ खाने का इरादा है? अब तक 56 खाए हैं, अब उसे खिलाऊंगा। कम ऑन, गिव मी फोन। फोन पर भी थप्पड़ ना मारे। बेटा रवि, तुम्हारे लिए ऑमलेट बन। ओहो रवि, ये फोन मैसेज है। श्रुति, हाय स्वीट हार्ट, क्या कर रहे हो अभी? स्वीट हार्ट बोला, वाओ, लगता है बात बन गई है। मैं लाइन क्लियर कर देता हूँ। मैं तुम्हारे ही मैसेज का इंतजार कर रहा था, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी याद आ रही है, खाने में भी मन नहीं लग रहा। खाना क्या, मेरा तो नहाने का मन भी नहीं कर रहा है। छी, उसके पसीने की बदबू फोन से डायरेक्ट मेरे नाक में जा रही है। क्यों शोना, क्यों नहीं नहाना? नहीं नहीं नहीं, साथ में नहाना है मुझे। इस शर्म से पानी पानी हो गई मैं। ए यू नॉटी, तुम्हें किसी विशी चाहिए? आ, चाहिए अबे बस कर यार। किसका फोन है बापू? अच्छा, कोई श्रुति है? श्रुति बेटा। हाँ? वो तुम्हें मैसेज पे मैसेज कर रही है, कौन है लड़की? ये लड़की नहीं है, दादी माँ है, ओवरएज है, बुढ़ापे में लाइफ टाइम सिम कार्ड खरीदा है, रिचार्ज करने के लिए मुझसे लोन मांग रही है। ओहो, मैंने भी तेरी तरफ से उसे रिप्लाई कर दिया, कहीं वो पुलिस स्टेशन जाकर मेरे ऊपर केस तो नहीं कर देगी। बेटा मुझे बचा लेना, मैं निकलता हूँ। मुझे नींद ना आए, चैन ना आए, क्या करूँ? अबे काले कौवे, 10-12 नींद की गोली खा के सो जा। अरे बाप रे, मेरी पोल खुल गई।